दुर्ग जिले से तीर्थ यात्रा पर गए 56 श्रद्धालुओं से भरी बस उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के नसीरपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार 3 तीर्थ यात्रियों की मृत्यु होने के साथ ही लगभग 40 तीर्थ यात्री घायल हो गए हैं। घायल तीर्थ यात्रियों का इलाज शिकोहाबाद जिला चिकित्सालय मथुरा एवं फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय के निर्देश पर दुर्ग सांसद विजय बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एवं लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज के साथ मथुरा पहुंचकर घायलों के उचित उपचार की जानकारी लेकर घायलों के परिजनों को हर संभव मदद प्रदान करने के लिए आश्वस्त कराया। सांसद विजय बघेल ने कहा कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की जनता मेरा परिवार है, हर सुख दुख की घड़ी पर मैं उनके साथ हूँ। क्या स्थिति है? हाँ, इसके सर में चोट थी, तकलीफ अनकॉन्शियस आई थी जो हुई, अब वो ठीक है भैया। और इधर हाथ का कराया, सी टी वगैरह कराया, सी टी के क्योंकि हाथ का कराया, पहले आपको सवेरे अनकॉन्शियस हो गई थी, इसलिए नहीं मेरे पास करीब सर 2 बजे फोन आया था वहाँ के SDM का, तो मैंने सारे हॉस्पिटल में पता लगाया, जितने बड़े हॉस्पिटल जो एक्सीडेंट मुझे लगा बड़ा होगा, इसीलिए आगरा भेजते, आगरा होगा तो सीरियस होगा, तो जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं सबको मैंने पता लगाया, क्योंकि लोकेट ही नहीं हुए लोग। वापस जाते हैं, 100 किलोमीटर घर जाते हैं, रात के 3:30 बजे बराबर नींद हो गर्म जैसे क्या पता सब कुछ सुधर रहे हैं। गाड़ी कहाँ से मान लो गाड़ी धंधे कहाँ से मुझे वहाँ से जिला अस्पताल से अस्पताल से वहाँ से ले जाके